हम गुरुओं में डाली है जान, तेरा प्यार है कितना करके पवित्र अपने लहू से, करके पवित्र अपने लहू से बनाया है तेरे समान, तेरा प्यार है कितना महान। सब है सब बोले, कैसे करूं मैं अपनी आंखों को बंद रखते हुए इसके प्रेम के लिए गाइस सब सब मेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां, अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, हम गुर्दों में डाली प्यार है कितना बने सब सब वर्षिप है कैसे करूं मैं फिर से प्यार है कितना कैसे करूं मैं उठते तूफानों को पल में थमाए, उठते तूफानों को पल में थमाए, अद्भुत तू करता है प्यार, प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां, देकर बसा रूहे पाक का हमको, देकर बसा रूहे पाक का हमको, देकर बसा रूहे पाक का हमको, देता है अपनी पहचान, तेरा प्यार है कितना महान, बोले सब सब कैसे करूं मैं इसे गाय किसा, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं, कैसे करूं मैं तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, हम गुर्दों में डाली है जान, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं खुशी देता मुझे
आवश्यक है। हाँ ऊंची तेरी शान है, ऊंचा तेरा नाम, तेरी महिमा मैं करूं। बोले ऊंची तेरी शान है, ऊंचा तेरा नाम, तेरी महिमा मैं करूं। फिर से ऊंची तेरी शान है, ऊंचा तेरा नाम, तेरी महिमा मैं करूं। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, पाप को मिटा कर सांप है किया हमको बचा लिया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की आज के सुंदर समय के लिए, इस प्रार्थना पहाड़ के लिए, इस प्रेयर माउंटेन के लिए। जोर से तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे आज की बिग ग्रेस के लिए जो आज आपको छुड़ाने वाली है, आपको आजाद करने वाली है। आमीन। तो आइए हम उस टेस्टिमनी को लेते हैं। ब्रदर, क्या नाम है आपका? जी रतन। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी पिंड मलिया, जिला जलंधर। आप जलंधर लोकल के ही रहने वाले हैं? जी जी। ये गवाही आपके फादर की है? जी। आपने अपनी गवाही में बताया कि 25 साल से आपके फादर जो है वो गलत संगति में गए, जिसके कारण उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ जी। तो आप इनकी टेस्टिमनी को हमें खुल के बताएं कि ये कौन कौन सा नशा करते थे और कितनी डोज में ये उस नशे को लेते थे। जी, मेरे डैडी आधी बोतल शराब की पी जाते थे, सिगरेट का एक बंडल पूरा पीते थे, एक भी सिगरेट का पूरी डब्बी पी जाते थे, और पुक्की और डोडे भी खा लेते थे। और आपने इनकी टेस्टिमनी में बताया कि ये एक दिन भी बिना नशे के नहीं रह पाते थे। जी। तो जब इनके पास पैसे नहीं होते थे तब ये नशा कैसे करते थे? तब ये यारों दोस्तों के साथ पैसा मांग लेते थे, उनसे पैसा लेके नशा करते थे, और जहाँ पे काम पे जाते थे
वहाँ से भी पैसे ले लेते थे। और आपने बताया कि ये इस नशे के कारण ये फैमिली वालों के साथ भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। हाँ जी हाँ जी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे, और जहाँ भी जाते थे तो हमको सुनने में आता था कि वहाँ लड़ाई कर ली या किसी के साथ भी लड़ाई कर ली, और काम पे जब लेट आते थे तो हमको बहुत चिंता हो जाती थी। जदों असे सानू किसी ने आन के दसना भी ढाडा डैडी राह दे विच उत्थे सड़क ते पिया होया, तो असी घरों जाना उत्थे जाके देखना, तो इन्हां ने शराब पीती होनी, तो फिर असी इन्हां नू उत्थों चक के लै के घर आना। फिर आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में, इस जीवी चर्च के बारे में कैसे पता चला? जी, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਫੇਤ ਵਧਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਓਂ ਕੋ ਰਿਸੀਵ ਕਰਤੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ 23 ਜਨਵਰੀ 2022 ਕੋ ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਂ ਜਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋ ਕੀਆ, ਆਈਏ ਹਮ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ। स्पिरिट ऑफ इंफर्मिटी कम आउट। नशे का आत्मा, नशे का आत्मा, ये नशे का दुष्ट आत्मा, नशे वाला शैतान, कम आउट, कम आउट। और उस दिन के बाद, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद, इन्होंने कोई नशा नहीं किया। जी, कोई नशा नहीं किया। ये उस नशे से पूरी तरह से आजाद हैं। जी बिल्कुल, पूरी तरह से। कितना समय हो चुका है इन्होंने कोई नशा नहीं किया? 2 साल हो चुके हैं कोई नशा नहीं किया। टोटली ये फ्री हो चुके हैं। जी बिल्कुल, टोटली फ्री। और आपने बताया कि अब आपके फादर ने बैप्टिज्म भी ले लिया है। जी। और अपनी लाइफ को परमेश्वर को दे दिया है। जी। तो जोर से तारीफ करेंगे इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए, लगातार तारीफ करते जाएंगे इस बड़ी टेस्टमनी, इस बड़े छुटकारे के लिए, जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर के लिए। सिस्टर, क्या नाम है आपका? मोनिका। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुरदासपुर सिटी, नौशहरा, मज्जा सिंह। आपने अपनी गवाही में बताया कि 3 साल पहले आपको बहुत तेज फीवर रहना शुरू हुआ, तो आप अपनी टेस्टमनी को हमें खुल के बताएं कि जब आपको फीवर रहता था तो आपको क्या क्या सहना पड़ता था अपनी बॉडी में? फीवर की वजह से मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं बिल्कुल बेड पे चली गई थी, यहाँ तक कि मेरे से उठा तक भी नहीं जाता था, यहाँ तक कि मेरी मदर मुझे संभालते थे, मेरी मम्मा मेरी केयर करते थे, मुझे क्या हमेशा वॉशरूम तक मेरी मम्मा लेके जाते थे, यहाँ तक मुझे चक्कर आ जाते थे, कभी कभी मैं बेड से गिर जाती थी, कभी कभी मुझे वॉशरूम जाने में बहुत तंगी होती थी, यहाँ तक कि मैंने बहुत मेडिसिन खाई, कोई आराम नहीं मिला मुझे, मैं 3 से 4 डॉक्टर चेंज के हमेशा मेडिसिन मुझे देते थे, मुझे कहते थे कि बस तुम मेडिसिन ही खाई जाओ, मैं सोचती थी, मैं ऐसे होता था मेरी लाइफ बिल्कुल नर्क हो चुकी है, मेडिसिन खा के मैं बिल्कुल थक चुकी थी, कई मैंने डॉक्टर भी चेंज किए, कई मेरे को मतलब कि जब एक दिन मैं गई थी गुरदासपुर में मेडिसिन लेने गई थी, तो मैं जब मेडिसिन लेने गई तो वहाँ पे डॉक्टर के पास जैसे ही मैं मेडिसिन लेके आई, जैसे मैं बस से उतरी तो उसी टाइम मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट होगी ब्लड वाली, एकदम से मैं बिल्कुल डर चुकी थी, मेरे को हुआ था मेरे साथ क्या हो गया, सब आसपास के लोग मुझे देखने लगे कि लड़की को क्या हो गया, मेरे को फिर हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ पे मेरी ट्रीटमेंट चली, कुछ नहीं वहाँ पे फर्क पड़ा, वहाँ पे मेरे मुँह से ब्लड आ रहा था, कभी नाक से ब्लड आ रहा था, मैं इतना मतलब डिप्रेस हो चुकी, मैं टूट चुकी थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और जब आपके टेस्ट किए गए डॉक्टर्स के द्वारा, एक्सरे किए गए, तो उन एक्सरे में, उस टेस्ट में क्या आया था? जब उन्होंने 3-4 बारी मेरे टेस्ट किए तो उन्होंने बोला आपको टीवी की प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा टूट चुकी थी। तो फिर आपको इस खामरा चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मेरी सिस्टर की फ्रेंड ने बताया था, वो फर्स्ट बार इस चर्च में आए थे तो उन्होंने बताया, जो फिर मेरी सिस्टर मुझे यहाँ पर लेके आए थे, तो जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि नहीं, जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे लगा मैं भी यहाँ से चंगी हो जाऊँगी, मैं भी यहाँ से आजाद हो के जाऊँगी, मेरी भी ये बीमारी यहाँ से चली जाएगी, मेरी बॉडी से चली जाऊँ, मैं भी चंगी हो जाऊँगी, मैं भी एक अपनी बड़ी टेस्ट में के साथ खड़ी होंगी, क्योंकि मेरे को पता था कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। जब मैंने टेस्ट में सुने लोगों के, मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ ना कि ऐसे लगा कि मेरी बिल्कुल, मेरे को इतना बॉडी में ऐसा हल्की महसूस है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी यहाँ पे आने के बावजूद। तो ना फिर उन्हें बोला कि हम ले हैंड फॉर्म फिल करते हैं, जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने ले हैंड फॉर्म फिल किया ना, तो मैं 15 अक्टूबर को उन्होंने, मेरे पापा जी ने मेरे ऊपर ले हैंड की थी। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद अब आप उस टीबी के रोग से पूरी तरह से आजाद है। जी, मैं बिल्कुल आजाद हो चुकी हूँ।
और आपके अब ना तो मुंह से ब्लड आता है ना नाक से, आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। बिल्कुल, मेरी बॉडी इतना मतलब न्यू हो गई है। मैं तो खुद खुद थी हैरान, पर डॉक्टर भी हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे इस ग्रेट टेस्टिमनी के लिए। परमेश्वर हमारा सचमुच महान है, वो लोगों को सरप्राइज करता है, शॉक करता है अपने कामों के द्वारा। और जितने लोग आज हमें लाइव देख रहे हैं, आप इस टेस्टिमनी को रिसीव करें, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको आजाद करेगा। आमीन। मेरा नाम कवलजीत है, मैं गुरदासपुर का रहने वाला हूँ। अज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। अज तो 1.5 साल पहला जब मैं ड्राइविंग करता सी, अचानक राइट लैग मेरी सुन्न होनी शुरू हो गई। उस चीज़ में मैं ज़्यादा सीरीयस नहीं लिया, उसके बावजूद भी मैं लगातार ड्राइविंग करता रहा। लगातार ड्राइविंग करने के बाद मेरी जब राइट लैग में दर्द शुरू हो गई और मैं डॉक्टर को चैक कराने लिए गया, उन्होंने मैंने देख के आख्या कि तेरी राइट लैग की नस ब्लॉक की प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर ने मैंने मेडिसिन दी और मैं मेडिसिन खाने के नाल नाल लगातार ड्राइविंग करता रहा। एक दिन मैं अपनी गड्डी वॉश कर रहा था, जब मैं गड्डी वॉश कर रहा था तो मैं नीचे नूं झुकिया और मेरे लक के विचों कड़क दनी की आवाज़ आई। उस दिन मेरी लत ने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिता और मैं पूरी तरह बैड पर चला गया। फिर जब मैं दूसरे डॉक्टर को गया और उन्होंने को जो मैं चेक कराने गया, उन्होंने मैंने आख्या कि तेरी प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है, जिस नाल कि लत जी है छोटी भी हो सकती है और सुक भी सकती है। मैं उन्होंने गल सुन के बहुत परेशान हो गया। जब डॉक्टर ने मेरे एक्सरे किए और एक्सरे देखने तो बाद उन्होंने मैंने दसा कि तेरी राइट लैग की जी नस आ पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी है। उन्होंने उस गल सुन के मैं बहुत परेशान हो गया, मेरी फैमिली बहुत परेशान हो गई। मैं अंकुर नरूला मिनिस्ट्री नाल पहले तो ही जुड़िया होया और मेरा पूरा फेथ परमेश्वर के उत्ते सीगा। मैं लगातार फ्रेन मेंटन की मीटिंग नूं अटेंड करता आ रहा सीगा। फेथ दे नाल जब मैं रिसीव किया और मेरी राइट लैग जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही थी, और जब मैं अपने राइट लैग दे विच गर्माहट नूं महसूस किया और मैं जब अपने आप नूं चैक किया, मैं पूरी तरह प्रोपर हील हो चुका सीगा। मेरी बिल्कुल पेन खत्म हो चुकी सी। इस वड्डी गवाही दे लई मैं परमेश्वर दा और परमेश्वर दे दास और दासी दा बहुत बहुत धन्यवाद करता सारे नु। जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम दिव्या है और मैं बिहार से बोल रही हूँ। मुझे स्किन का रोग हो गया था जो 2 साल से था, वो गुप्त रोग हो गया था। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, पर कुछ दिन के लिए वो ठीक होता था और फिर दोबारा हो जाता था। और गड्ढे गड्ढे जैसे हो गए थे, मेरा मांस दिखाई पड़ता था। फिर मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि मैं सही से चल भी नहीं पा रही थी उसके कारण। फिर मैंने लगातार माउंटेन प्रेयर को अटेंड किया। मैंने उसमें बीमारियों को जब डाटा जा रहा था, स्किन के रोगों को, गुप्त रोगों को, तो मैंने अपने लिए पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बीमारियाँ जा चुकी है, मुझे कोई गुप्त रोग नहीं है और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम दिनेश है और मैं पठानकोट पंजाब का रहने वाला हूँ। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही ये है कि आज से कोई 20 दिन पहले मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी हर्षिता, जो कि इस साल 10 महीने की है, हम कहीं आ रहे थे तो रास्ते में हमारा बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिससे कि मुझे मेरी वाइफ को ही चोटें आईं और मेरी लड़की हर्षिता जिसके पैर में चोट लगी, तो हमने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा कि इसके पैर का मांस फट चुका है। तो हमने अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराया, लेकिन ट्रीटमेंट से भी बच्ची का कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो चल फिर पाने में असमर्थ थी। तो हमारा परमेश्वर प्रभु परमेश्वर हमारा विश्वास था, तो हर बार हम प्रे माउंटेन अटेंड करते थे और अब उस प्रार्थना को रिसीव करते थे, पास्टर जी प्रार्थना रिसीव करते थे। करो ऑनलाइन, लोगों को टच करो, जितने प्रार्थना रिक्वेस्ट के रूप में आपके सामने मौजूद है, टच करो जो ऑनलाइन मौजूद है, अपनी बॉडी, अपने सिस्टम, आपका ब्लड, आपकी हड्डियां, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, रोगी सारे अपनी आप बॉडी को टच करो और यहां से इस अनॉइंटेड प्लेस से इनको टच करो राइट नाउ इन द नेम ऑफ। तो हमने इस प्रार्थना को अपने रिसीव किया, अपनी बेटी को रिसीव किया। तो कुछ दिन के बाद मेरी बेटी अगले दिन अपने पैरों पर चलने लग रही। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का, पास्टर अंकुर का और पूरी कलीसिया का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की।
सिंधरा वाला रखो सांधरा वाला रबा चिकारा वाला रबा जिंदा फियाला वाला लिखा सांधरा वाला रखो सांधरे बेले रखे जने प्रियंदा वाला ना हो सांधरा वाला लिखा सांधरे बेले रखो सोको रखा सिखो रखेले वाला को सोंधरो बेले रखे शेके याला वाला लखो सांधरा वाला रबा शेकेले बेले रखो सोको याला वाला लबाना वाला बाना बस सोको रे सोलो रे बस शेके रे बेले रखे दारा वाला रबा सोंधरो यंदा ना बना को सांधरे बेले रखे शेके रे बेले रखे उधरो नियंदोरा वाला रखा साखरा वाला रखो साखरा वाला रखो शेके रे बेले रखे उधरो प्रियंदा ना बना हो सांधना वाला रबा सोको रे सोलो रे बस सेंधरो रे बस शेके रे बेले लखो सोको तको लखो सोको रे भयो उधरो याला वाला रबा शिखरा वाला रबा सोंधरो बेले रे बस शिखरा वाला रबा सोंधरो निमान धना वाला ना हो सांधना वाला रखो शेके रे बेले रे बस शेके रा बाबा का सोको तको लखो तको रे को सोको तको रे को तको सोको तको रे बस शेके याला ला माना हो सांधरे बेले रे के धना वाला रखो सो हमारे साथ एक मन हो जाए। परमेश्वर ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। और वो पवित्र आत्मा जब चेलों के ऊपर उतरा तो उन्होंने सामर्थ को पाया और फिर वो यरूशलेम के बाहर सुसमाचार के लिए जाने पाए। आज जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरता है तो वो चीजें वो कर पाते हैं जो उनके लिए नामुमकिन है। और हम प्रार्थना पहाड़ से प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा आपके जीवनों के ऊपर उतरे और उसकी सामर्थ और आग से आपकी संख्या बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए शैतानी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के खिलाफ जो शैतान ने आपके जीवन में रखे जो शैतान ने आपके घरों में रखे जहां चाहे शैतान आपके लाइफ में काम करता है आपके घरों में काम करता है। आज हम प्रेयर माउंटेन से प्रार्थना करते हैं जितने शैतानी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जितने शैतानी मजबूत चीजें आपकी लाइफ में आज होली गोस्ट की फायर उन चीजों के ऊपर उतरे और वह टूट जाए वह टूट जाए सारी शर्मिंदगी का सोना टूट जाए।
पैदा करेंगे जो कुछ शैतान ने आपके जीवन में बोया है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा शैतान आया और जंगली बीज बोकर चला गया। आज हम प्रार्थना भर से प्रार्थना करते आपके लिए कि जितने शैतानी बीज, जितने जंगली बीज शैतान ने आपके जीवन में बोए हैं, आपके घरों में बोए हैं, आज होली गोस की फायर से वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो नाश हो जाए, नाश हो जाए। बोलो 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 फायर रिलीज करो, फायर को डिस्ट्रॉय करो, सारा शैतानी बोया नाश हो जाए, चल जाए चल जाए चल जाए, उसकी फायर करो चल जाए। होली गोस्ट की फायर से ना जाना है, जंगली बीड़ा का जीवन से ना जाता है, जंगली बीड़ा का परिवार से ना जाता है। पल्ले 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 सारे शैतानी बीज चल जाए, इनके परिवारों से बच चल जाए, घरों से बच चल जाए, इनके लाल लोग चल जाए, चल जाए चल जाए चल जाए, बच जाए। प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा, पूछ नहीं। अरे जब प्रार्थना करते हैं वो सारी आदतें, वो सारे पाप, वो सारी कमियां जो आपके सिर बनने से रोकती है और आपका पूछ बनाती है, आज खुदावन की फायर उन कमियों के ऊपर, उन गुनाहों के ऊपर, उन व्यभिचार के ऊपर उतरे और होली गोस्ट की फायर से जल के नाश हो जाए। सारी गंदी आदतें नाश हो जाए, सारी व्यभिचार की आदतें नाश हो जाए, दुर्व्यवहार की आदतें नाश हो जाए, 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 फैया 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 फैया, होली गोस्ट की फायर से नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, फैया से नाश हो जाए, अपने नींद बंद कराएं उसे, नाश हो जाए, फैया से नाश हो जाए, बल्ले 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 होली गोस्ट की फायर से नाश हो जाए, होली गोस्ट की फायर से नाश हो जाए, वो गंदी आदतें नाश हो जाए, वो दिखाई के पास चल जाए, चल जाए चल जाए, आपकी लाइन से बच जाए, आपके घरों से बच जाए, आपके यूथ से बच जाए, फायर 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 जंगल में लगा दी जाती है तो वो तब तक जलती रहती है जब तक जंगल जल ना जाए पूरी तरह से। और आज जिस केस के ऊपर आप इसे रिलीज कर रहे हो आपको ये रिजल्ट निकाल के देगी यीशु मसीह के नाम में। और अब हम प्रार्थना करेंगे रिजेक्शन की स्पिरिट के खिलाफ, क्योंकि जब रिजेक्शन का आत्मा आपके जीवन में काम करता है तो जिस मंडली में आप रहते हैं बाकी सारे लोग फेवर पाते हैं, अनुग्रह पाते हैं, पर जब वो आपके जीवन में काम करता है आप अनुग्रह से रहित रह जाते हैं। और आज हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थना पहाड़ से कि जितनी रिजेक्शन की आत्मा आपके जीवन में काम करती है, आपका पीछा करती है, होली गोस्ट की फायर से वो आपके जीवन से नाश हो जाए। सारा रिजल्ट चंगा चंगा चिल्ला कर ना चला, सारा रिजल्ट चंगा चंगा ना चला, ना चले। होली गोस्ट की फायर से ना चला, फायर 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 फायर, रिजल्ट चंगा चंगा ना चला, इनका घर से ना चला, बच्चा का चिल्ला कर ना चला, इनकी लाइफ से ना चला। सारा रिजेक्ट
रिजेक्शन के बच्चों से नाच जाए, सारे रिजेक्शन की लाइफ से नाच जाए। सब जन हमारे साथ एक मन हो जाए। परमेश्वर का धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहेगा। और शैतान हमेशा आपके विश्वास के साथ लड़ता है, उसे घटाता है। और हम प्रार्थना करते हैं प्रेयर माउंटेन से, इस सामर्थ्य, इस आग के साथ, कि जितनी अंधकार की ताकत आपके फेस से लड़ती है, जितने इंसिडेंट आपके फेस को घटाने के लिए शैतान ने रचे हैं, आज होली गोस्ट की फायर, ये सामर्थ्य उन अंधकार की ताकतों के ऊपर उतरे और वो नाश हो जाए जीवन से। इनका दिल की मैं सोचे पहले पहले नाश हो जाए। विश्वास चौकम के अंदर दूसरा पे नाच जा, नाच जा, नाच करेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे उस अंधकार की ताकत के खिलाफ जो नशे की है, क्योंकि नशा एक ऐसा हथियार है शैतान का, जिसे वो यूज कर रहा है और यूथ की ग्लोरी को खत्म कर रहा है, जिसे भी यूज कर रहा है और घरों की ग्लोरी को वो खत्म कर रहा है। आज प्रेयर माउंटेन से, अधिकारों को वाले प्लेस से हम प्रार्थना करते हैं, जितने नशे का आत्मा आपकी लाइफ में काम करता है, आपके फैमिली मेंबर्स की लाइफ में काम करता है, आज होली गोस्ट की फायर उन अंधकार की ताकतों के ऊपर उतरे और वो आर हो जाए। जितना गड़बड़ी का आत्मा आपके जीवनों में काम करता है, क्योंकि जब गड़बड़ी का आत्मा आपके घरों में काम करता है तो लड़ाई झगड़े होते हैं, कन्फ्यूजन होती है। जब गड़बड़ी का आत्मा एक आत्मिक जन के जीवन में काम करता है तो वो कन्फ्यूज रखता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या, उसे क्या करना, क्या करना चाहिए। और आज हम प्रार्थना करते हैं सारा गड़बड़ी का आत्मा जो आपके घरों में काम करता है, आपके बिजनेस में काम करता है, आपके आत्मिक जीवन में काम करता है, आज इस पवित्र फायर के साथ आपके जीवन से आ जाए। Yeah.
अब हम प्रार्थना करेंगे वो सारी दुष्ट आत्माएं जो आपको परमेश्वर की कॉलिंग को फॉलो करने से रोकती है, उसे पूरा करने से रोकती है, आपकी शरीर की वो अभिलाषाएं, आपके इमोशंस की वो अभिलाषा, वो चीजें, वो आवाजें, आज हम प्रार्थना पाठ से प्रार्थना करते हैं वो सारी आवाजें जो शारीरिक है, जो शैतानी है, जो इमोशनल है, आज होली गोस्ट की फायर उन सारी आवाजों के ऊपर उतरे और होली गोस्ट की फायर से आपके जीवन से नाश हो जाए, बीमारी की हालत में भी देख रहे हैं और हम प्रार्थना करेंगे और सारी बीमारी की आत्माओं को जो शैतानी है और वो बीमारी शैतान के कारण उनके जीवन में, वो शराब के कारण उनके जीवन में, और हम प्रेयर रिक्वेस्ट को भी टच करेंगे और कमांड करेंगे सारी बीमारी का आत्मा, सारी बीमारी का शराब इनका जीवन से ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, सारी बीमारी का शराब टूट जाए, सारी बीमारी का शराब टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, शैतानी का नाम टूट जाए, प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में, जिस नाम के आगे सारे नाम, सारी बीमारियां घुटना टेकती हैं, और हम प्रार्थना करेंगे जितनी बीमारियां इनके जीवन में कार्य करती हैं, इनकी लाइफ में कार्य करती हैं, होली गोस्ट की फायर से वो सारी बीमारियां, एक एक बीमारी का नाम लेके वो सारी बीमारियां इनके जीवन से ऐड हो जाए, कैंसर की दवाई ऐड हो जाए, एड्स की बीमारी ऐड हो जाए, यूट्रस का रोग आउट हो जाए, लीवर का रोग आउट हो जाए, प्रेम का रोग आउट हो जाए, आंखों का रोग आउट हो जाए, स्किन का रोग आउट हो जाए, 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 पल्ले 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 से, पल्ले से आउट हो जाए, हड्डियों का रोग आउट हो जाए, हड्डियों का रोग आउट हो जाए, आउट हो जाए, रली सारे पल्ले को आउट करो, सारी बीमारियां, सारी बीमारियां, सारे रोग, सारी बीमारियां, कैंसर की बीमारियां आउट हो जाए, शुगर का रोग आउट हो जाए, ब्लड का रोग आउट हो जाए, ब्रेन का रोग आउट हो जाए, आउट 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 आउट
अगर आपके घर में से कोई बीमार है, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ आईसीयू में, आज अपने हाथों को उनकी ओर बढ़ाओ, अपने घरों से अपने हाथों को उठा लो। याद रखे आप उस मसे से नहीं, आप परमेश्वर ने जो अपने दास को मसा दिया, आप उस मसे के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। हम यहां से आपके बीमार लोगों को टच करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। हम उन्हें घोषणा करते हैं, बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। हम यहां से आपको टच करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आप छड़ियों के सारे चलते हैं, आप व्हील चेयर पे, आप बेड पे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रार्थना पहाड़ की सामर्थ के साथ, उस मसे के साथ जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया, हम आपकी बॉडी को टच करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उठो और खड़े हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। छड़ियां आपकी छूट जाए, व्हील चेयर छूट जाए, वो श्रापित करते हैं उस व्हील चेयर को, उस बेड को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम श्रापित करते हैं। वो HIV, वो कैंसर, वो अस्थमा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज इस प्रार्थना पाठ की सामर्थ्य के साथ हम उसे कमांड करते हैं। आपकी बॉडी से, आपके ब्लड से, आपकी हड्डियों से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आउट 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 कमांड कर दो फायर के साथ, कमांड करो फायर के साथ। आउट 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 कोई भी शर्मिंदगी काम करती है, अगर आप काम करने में बहुत अच्छे हैं लेकिन 10 साल से आप एक ही लेवल के ऊपर, आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही, आप बांच हैं, आपकी कोई भी घर में शर्मिंदगी काम करती है, आपकी लाइफ में जैसी भी शर्मिंदगी काम करती है, वो शर्मिंदगी के कारण आप हमेशा निराश रहते हैं, आपको हमेशा शर्मिंदगी फील होती है, अपने हाथों को उठाओ, अपने सर के ऊपर हाथ रखो और घोषणा करो कि उस क्रूस के ऊपर जो क्रूस प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, उस क्रूस के ऊपर मेरी शर्मिंदगियां उठा ली गई है। शर्मिंदगी मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं, शर्मिंदगी मेरे बच्चों का हिस्सा नहीं है, शर्मिंदगी मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है। उस शर्मिंदगी को आज रिलीज करो, शर्मिंदगी को फायर, क्योंकि शैतान आपको हमेशा शर्मिंदा करने के लिए, मारने के लिए और नाश करने के लिए आता है। उस सारी शर्मिंदगी के ऊपर इस प्रार्थना पहाड़ की सामर्थ के साथ आज फायर उतरे, होली गोस्ट फायर 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 सारी शर्मिंदगी के ऊपर। वो सारी शर्मिंदगियां जो आपकी
लाइफ में काम करती है, वो बांझपन की हो सकती है, वो गरीबी की हो सकती है, वो कैसी भी शर्मिंदगी हो सकती है, आज उसे अपनी स्पिरिट में रखो, अपनी आंखों के सामने रखो और रिलीज करो उसके ऊपर फायर और गुस्से के साथ करो, क्योंकि जब शैतान आता है वो हमेशा आपको मारने के लिए, आपको घात करने के लिए आता है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह एंटर होते हैं वो जीवन देने के लिए, वो ब्लेस करने के लिए एंटर होते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज हम उस हेवन से आग को पुकारते हैं, सारी शर्मिंदगी बाय फायर नाश हो जाए, गो फायर 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 अगर आप जादू टोने के नीचे आपको खेल आती है, आपको गंदे सपने आते हैं, तो अपने हाथों को उठाओ इस प्रेजेंस के नीचे, वो मसा जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया, आपने देखा चर्च में कि कैसे दुष्ट आत्माएं खेलती है और लोगों को छोड़ती है, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शैतान की सारी सामर्थ को कुचलने का अधिकार दिया। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हर एक जादू टोने की आत्मा, गंदगी की आत्मा, अंधरात्मा की आत्मा, दुष्ट आत्माएं आपकी बॉडी से आज मैंने मुक्ति दी। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो, अपने सर के ऊपर हाथ रखो और घोषणा करो कि मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें दुष्ट आत्मा को कोई अधिकार नहीं है, अपने ऊपर घोषणा करो कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में उन दुष्ट आत्माओं को कमांड करते हैं, वो जादू टोने की आत्मा, गंदे सपने की आत्मा, खेल की आत्मा, आपकी बॉडी और सिस्टम से इस फायर के नीचे आउट हो जाए। सारी जादू टोने की आत्मा के ऊपर, वो सारी दुष्ट आत्मा के ऊपर जिन्होंने आपको तंग करके रखा हुआ है, जिन्होंने आपके घरों के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रार्थना पहाड़ से हम उसके ऊपर फायर को रिलीज करते हैं। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, सारी दुष्ट आत्मा के ऊपर, सारी दुष्ट आत्मा के ऊपर, जादू टोने के ऊपर फायर, 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 रिलीज कर दो फायर, फायर, fire 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 release her release her fire 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 Holy Ghost fire to the top of the altar. Fire, 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 fire. Fire! Fire! सामर्थ्य पवित्र नाम में हम आपको आजाद घोषित करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा, उस मसे के साथ जो उसने अपने दास को दिया, जो उसने अपनी दासी को दिया, हम यहां से आपको टच करते हैं, आपकी बॉडी को टच करते हैं और हम आपको फ्री घोषित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद वो दुष्ट आत्मा आपको तंग ना करने पाएगा, आज के बाद आपको खेल आएगी, गंदे सपने ना आएंगे, यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम आपको फ्री घोषित करते हैं। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, Be free!
याद रखें, जब प्रभु यीशु मसीह आपको तोड़ते हैं तो हमेशा आपको बढ़ाने के लिए तोड़ते हैं। याद रखें, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी को तोड़ा तो आप याद रखें उन 20,000 लोगों ने उस रोटी में से खाया। जब प्रभु यीशु मसीह आपको तोड़ रहे हैं वो दुखों में हो सकता है, वो परीक्षा में हो सकता है, वो आपको बढ़ाने के लिए तोड़ रहे हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में अपने हाथों को उठाओ। हम आज आपकी बॉडी के ऊपर घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मल्टीप्लाई हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बी ब्लेस्ड, यू ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। आपका फाइनेंस, आपका फाइनेंस मल्टीप्लाई हो जाए, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाए। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बी ब्लेस्ड, 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 अगर आपकी मैरिज को 10 साल हो गए, आपकी मैरिज को 15 साल, 18 साल हो गए, अगर आपके कोई भी बेबी नहीं है तो बहने अपने पेट पे हाथ रखो और भाई अपने हाथों को उठाओ। हम यहाँ से आपकी बॉडी के लिए, आपके ब्लड के लिए कमांड करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और यूट्रस हमारी आवाज को सुने, सारी रसौलियां, सारी पत्थरियां, सारी दुष्ट आत्माएं, कि अगर आपको सपना आता है और आपका मिसकैरेज हो जाता है, यीशु मसीह के पवित्र नाम में उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर, उन रसौलियों के ऊपर, उन पत्थरियों के ऊपर, उन रुकावटों के ऊपर जो आपको ब्लेस नहीं होने देती, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज ये फायर उन रसौलियों के ऊपर उतरे, आज ये फायर उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर उतरे। उन दुष्ट आत्माओं को हम कमांड करते हैं, उन्हें हुक्म देते हैं इस प्रार्थना पाठ के साथ, आपकी बॉडी से आज इन द नेम ऑफ जीसस, आज इन द नेम ऑफ जीसस, फायर के साथ आउट, फायर के साथ आउट करो, फायर के साथ आउट करो, फायर, फायर, आउट, 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 इस फायर के साथ आउट हो जाए, इस फायर के साथ आउट हो जाए, आज इन द नेम ऑफ जीसस, 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 घोषित करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम आपके गर्भ को ब्लेस घोषित करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आपका गर्भ ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आप इसी साल प्रेगनेंसी की टेस्टिमनी के साथ वापस आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, वी ब्लेस, वी ब्लेस, वी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, वी ब्लेस, वी ब्लेस, वी ब्लेस, वी ब्लेस, वी ब्लेस, वी ब्लेस, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी फाइल्स को अपने हाथों में उठाओ। जो अपने जॉब के लिए ट्राई करते हैं लेकिन बार बार आपकी लाइफ में डिले का और फेलियर का आत्मा काम करता है, अगर आप वीजा के लिए ट्राई करते हैं तो बार बार आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, उस फेलियर का सामना करना पड़ता है। अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी फाइलों को अपने हाथों में उठाओ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। इस प्रार्थना पहाड़ की अनॉइंटिंग के साथ, इस प्रार्थना पहाड़ के मसे के साथ, उन फाइल्स को, उन डॉक्यूमेंट्स को हम ब्लेस घोषित करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उन फाइल्स को ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आप नए घर बनाना चाहते हैं, आप कोई भी नया काम करना शुरू करना चाहते हैं तो अपने हाथों को उठा लीजिए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। सारे रास्तों को हम ओपन करते हैं द नेम ऑफ जीसस। वो रास्ते जो फाइनेंशियली कर्ज के साथ वो बंद हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, उन रास्तों को ओपन करते हैं। अपनी फाइल्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने पासपोर्ट्स को ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और थैंक्स करो अपनी गवाहियों के लिए परमेश्वर का। थैंक्स करो, ऊंचे आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, ऊंचे आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, 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 ऊंचे आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Thank you.
परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब प्रार्थना पहाड़ से प्रार्थना की जाते हैं, लाखों लोग डिलीवरेंस को पाते हैं, हीलिंग को पाते हैं। उसी तरीके से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भारी परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव किया, बड़ी गवाही को पाया। तो कुछ टेस्टिमनीज आज हमारे साथ है, तो बताइए सिस्टर क्या गवाही आपकी। मेरा नाम मनप्रीत कौर है, तो मैं भोगपुर शहर तो रहने वाली हाँ। ईस्टर तो पिछले संडे मेरा एक्सीडेंट हो गया सीगा, उदे विच मेरी बांह जिहड़ी सीगी ओह फ्रैक्चर हो गई सीगी, ते उदे नाल मेरे पेन बहुत रहिंदी सी। कपड़े पाउण विच मैनू बहुत ज़्यादा पेनफुल महसूस हुंदा सीगा, ते जदों मैं अज पहली बारी इस प्रार्थना पहाड़ उत्ते आई, ते परमेश्वर ने मैनू छुया ते चंगा कीता, ते परमेश्वर दी हीलिंग के लिए मैं धन्यवाद करदी हाँ। तारीफ करे सबजन इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करे सबजन। जोर से परमेश्वर का धन्यवाद करे परमेश्वर का आज के दिन के लिए। सेम इसी रीति से हम सिस्टर की गवाही को सुनेंगे। सिस्टर क्या गवाही है आपकी, बताइए। जय मसीह दी। मेरा नाम कमलजीत है, मैं पिंड मदारा तो हूँ। मेरी गवाही डिस्करी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सी, तो अच्छ सवेर तो मैं बड़ी टेंशन सी कि मैं प्रे माउंटेन जाना, तो मैं थले बैठागी किस तरह। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हाँ कि मैं लास्ट टाइम अज इतने बैठी, तो परमेश्वर के आत्मा ने मैं छूया, मैं वोमेंट आई, तो बिल्कुल मेरी दर्द बिल्कुल खत्म हो चुकी है इस वेले। जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। 6 साल से इस बैंड को डिस्क का रोग हो गया था, जिसकी वजह से झुक नहीं पाते थे, लेकिन जैसे आज परमेश्वर की सामर्थ में आए, ये एंटर हुए प्रेयर माउंटेन में और परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ और ये पूरी रीति से चंगे हो चुके हैं। बहन जोर से तारीफ करे परमेश्वर की। तारीफ करते रहे सब जन। थैंक यू जीसस। बोले उच्च आवाज के साथ। आप जानते हैं जब लोग प्रार्थना पहाड़ के ऊपर मौजूद होते हैं तो परमेश्वर के स्पर्श को हेवनली एक्सपीरियंस को लेते हैं। उसी तरीके ने इस भाई ने परमेश्वर के सामर्थ को महसूस किया, अपने मुंह से बताएंगे इस भाई ने क्या फील किया। हेलो, मैं दिनक शहर तो रहने वाला हाँ। मैं फर्स्ट टाइम आया इतने आया, तो मैनू परमेश्वर ने इन्ना कु छुआ कि मैं बिल्कुल हील हो चुका। मैं जब आया दिनक तो मैं बहुत बारी मेरा शरीर था और मेरे शरीर में इतनी कि बारी था कि मैं बैठने योग नहीं था। और इधर आके मैंने जब प्रार्थना की तो मेरे ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने मुझको टच किया है और परमेश्वर के दूत ने सचमुच मुझे टच किया और मुझे ऐसा ही हुआ कि मैं बहुत बहुत होला हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु का। तारीफ करें सर। अब भाई बता रहे कि इस भाई की पूरी बॉडी में एक भारी जकड़न थी, लेकिन जैसे आज पहली बार चर्च में आए, जैसे पहली बार प्रार्थना पहाड़ के ऊपर आए, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को छुआ, दूतों ने छुआ, उसी समय एकदम हल्कापन फील हुआ, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को छुआ। हालेलुया। एक बहुत सी और भी टेस्टिमनीज हमारे पास आती जा रही है। सर आप बताएं आपकी क्या गवाही है। मेरी गवाही यह है, मैं प्रेम मोंटी च अजय मैं गवाही नहीं दी, मैं देनी चाहती ही गवाही। मैं परमेश्वर मैंने प्रेम मोंटी च लैके जाओगे उत्थे मैं वड्डी गवाही नाल खड़ा करियो। जो मैं आई मैंने परमेश्वर दे आत्मा ने छूया, फिर हुण मैं जो प्रे करन दी सी ना, फिर मैंने प्रभु दे आत्मा ने छूया, तो बाद च मैं वोल्टिंग आई, मैं हील हो गई, मेरा शरीर बिल्कुल हल्का होया। जैसे 8 महीने से आपको दुष्टात्मक अटैक हो रहे थे, लेकिन जैसे प्रार्थना पहाड़ के ऊपर आए तो क्या हुआ आपको, वोमिटिंग आई आपको। वोमिटिंग आई मुझे, मैं 2 साल से दुष्ट आत्मा से जकड़ रही थी, अटैक होते थे दुष्ट आत्मा से, तो फिर आज मैंने परमेश्वर ने हील किया। तारीफ कर। आप देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है कि 2 साल से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे, लेकिन जैसे आज फायर प्रे को रिसीव किया, परमेश्वर के जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ, वो 2 साल पुराना दुष्ट आत्मा, उसी समय इस बहन को वोमिटिंग आई, वो दुष्ट आत्मा छोड़ के गया, ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है, आजाद हो। सब अपने हाथों को उठाए इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करते जाए सब जन। तारीफ करो जोर से और ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। इन टेस्टिमनीज के लिए, इन गवाहियों के लिए तारीफ कर दो। अपने घरों में बैठे हुए तो तारीफ करो जोर से थैंक यू जीसस। आपने देखा कि कैसे परमेश्वर का आत्मा इस प्रार्थना पहाड़ के दौरान उस मसीह के साथ जो परमेश्वर के दास के ऊपर काम करता है, लोगों को छूता है, लोगों की लाइफ चेंज होती है, लोगों के घराने चेंज होते हैं, लोगों की हड्डियां हील होती, लोगों की बॉडी हील होती है। यीशु मसीह के नाम तारीफ करो जोर से थैंक यू जीसस। तो अगर आज आप पहली बार इस प्रार्थना को देख रहे हैं तो आप अपने हाथों को उठाओ हमारे पीछे, बोले प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूं। मुझे माफ करें, मुझे अपने लहू से धोके साफ करें, क्योंकि मैंने सुना है कि जो कोई आपके पास आता है आप उसे ठुकराते नहीं, आप उसे अपना बेटा अपनी बेटी ग्रहण करते हैं। बोले प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूं, मुझे माफ करें
और मुझे अपना बेटा अपनी बेटी ग्रहण करें। आमेन आमेन। तारीफ कर दो जोर से, थैंक यू जीसस। अगर आपने कल की मीटिंग को देखा तो वो जो सरमन जो हीलिंग हुई उसके लिए जोर से अपने घरों में बैठे हुए तारीफ कर दो जोर से, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसा वचन, ऐसा सरमन जो परमेश्वर के दास ने कल बताया, आपने पढ़ा होगा बहुत बार उन वर्सेस को, लेकिन ऐसी डीप रेवलेशन आज तक कभी लाइफ में हमने नहीं सुनी। उस डीप रेवलेशन के लिए तारीफ कर दो जोर से जोर से। आपने देखा होगा कि वो चर्च में कैसे, कल चर्च में लंगड़े चल रहे थे, अंधे देख रहे थे, लोग हील हो रहे थे। हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आप भी जीवी चर्च का हिस्सा बने। जीवी चर्च वो चर्च है जहां पे सिर्फ वचन सुनाया ना जाता हो, वहां पे परमेश्वर के काम भी होते हो, वहां लंगड़े चलते हो, अंधे देखते हो, वहां रियली काम होते हो। हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं आप जीवी चर्च का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप हमारी चर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एड्रेस आ रहा है, आप उस एड्रेस को नोट कर लें। नियर टीवी टावर नकोदर रोड जलंधर में विलेज खामरा में हमारी चर्च स्थित है, आप इस चर्च का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी बहुत सी ब्रांचेज है जो पंजाब में, उन पंजाब की ब्रांचेज के एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आएंगे, आप देखेंगे उन एड्रेस को। अमृतसर में, गुरदासपुर में, पटियाला में, बठिंडा में, हमारी बहुत सी ब्रांचेज है जो पंजाब में, उनके एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, आप उन एड्रेस के स्क्रीनशॉट लेते जाएं। जैसे थर्सडे और संडे खामरा चर्च मेन हेड में जो मीटिंग होती है, वैसे इन ब्रांचेज में भी मीटिंग होती है। और सेम मसा जो परमेश्वर के दास की लाइफ के ऊपर काम करता है, वो सेम मसा, वो सेम हीलिंग, वो सेम अनॉइंटिंग इन ब्रांचेज के ऊपर भी काम करती है। हमारी इंडिया में भी बहुत सी ब्रांचेज हैं, उनके एड्रेस आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, आप उन एड्रेस को नोट कर लें। उनकी प्रॉपर टाइमिंग, उनकी प्रॉपर एड्रेस आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, उन एड्रेसेस को आप नोट कर लें। आप इन ब्रांचेस में जाके परमेश्वर की सामर्थ को, उसके मसे को, जो मसा उसने अपने दास दासी को दिया, वो सेम मसा इन ब्रांचेस में काम करता है। आप उस मसे को अपनी बॉडी के अंदर ले सकते हैं, उस हीलिंग को, उस अनॉइंटिंग को अपनी बॉडी के अंदर ले सकते हैं। और भी बहुत सी ब्रांचेज जो हमारी फॉरन में है, इंडिया से बाहर बहुत सी हमारी ब्रांचेज है, उनके एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, इनका आप स्क्रीन शॉट लेते जाए। इनकी फुल टाइमिंग, फुल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया, आप देख सकते हैं। कनाडा में, यूएसए में, यूके में, जर्मनी में हमारी बहुत सी ब्रांचेज, आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जाएं। इनका टाइमिंग, इनका फुल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। हमारा फेथ है कि जैसे ही आप इन ब्रांचेज का हिस्सा बनना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करना भी शुरू कर देगा। और जो जो वचन जो परमेश्वर के दास देते हैं, वो सेम इन ब्रांचेज में जब आप सुनेंगे बैठ के, तो हमारा फेथ है परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा। वो हीलिंग जो मेन हेड खामरा चर्च में आगे लोग रिसीव करते हैं, वो सेम हीलिंग इन ब्रांचेज से लोग हमें भेजते हैं, लोग अपनी टेस्टिमनीज को भेजते हैं। तो हमारा फेथ है परमेश्वर आज आपको ब्लेस कर चुके हैं, परमेश्वर आपको बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस कर चुके हैं। तारीफ करो जोर से जोर से, थैंक यू जीसस, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज की टेस्टिमनीज के लिए, आज की प्रेयर के लिए तारीफ कर दो जोर से जोर से, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारा विश्वास है आज यहां से ब्लेस है। रोज रात को 8 से 9 प्रार्थना पहाड़ से प्रार्थनाएं होती है, आप प्रार्थना पहाड़ के साथ रोज जुड़े। हमारा फेथ है जब आप इसके साथ रोज जुड़ना स्टार्ट करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको हर एक मुसीबत से, हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से आपको छुड़ाने की ताकत रखता है। जैसे उसने अपने दास को नशों से छुड़ाया, जैसे उसने अपने दास को बीमारियों से छुड़ाया, वो सेम मसा आज भी इस जगह के ऊपर मौजूद है। अगर आप किसी भी बीमारी के नीचे हैं, किसी भी तकलीफ के नीचे हैं, अगर आप इस प्रार्थना पहाड़ के साथ जुड़ेंगे, आप संडे थर्सडे मीटिंग के साथ जुड़ेंगे, तो हमारा विश्वास है परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा और आप सेम नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से, और हम आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में छोड़ते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, सबको जय मसीह के। तो अब समय है अपने बीज अपनी ऑफरिंग को बोने का, तो अपनी ऑफरिंग अपने टाइथ अपने सीड को निकालने परमेश्वर के कामों के लिए, और आज अपनी बेस्ट ऑफरिंग को अपने परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। और आप माइटी बेन पार्टनरशिप को लेने के लिए जो नीचे 4 नंबर दिए गए इनके ऊपर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों में भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को डाल सकते हैं। अपने सीड को जरूर बोएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को पहुंचाया जाए। तो आज आपने बेस्ट ऑफरिंग को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, और इन तीनों पार्टनरशिप को आपने जरूर लेना है ताकि जो काम परमेश्वर ने शुरू किया है आप उसमें अपने हिस्से को, अपने योगदान को डाल सकें।
और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं, जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक। इन दोनों बैंक अकाउंट्स की डिटेल को आप नोट कर लें। आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को सेंड करते जाएं। और भी बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे कि ऑनलाइन मीडियम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। आप गूगल पे, जी पे के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। ICICI बैंक, उसका QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करें। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गूगल पे है, चाहे फ़ोन पे है, चाहे भारत पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे इसके अलावा भी कोई अदर एप्लीकेशन है, तो आप ICICI बैंक और HDFC बैंक के QR कोड को अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। और आप में से जो लोग फॉरेन से, विदेश से आपने ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड किया है, आपने परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना है, तो आप भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजने के लिए जो आपके टीवी, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब प्रेयर माउंटेन से हो रही हर रोज की प्रार्थनाओं को जब वो शुरू हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और भी बहुत सी लाइव टीचिंग्स होती हैं जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नुरुल्ला जी देते हैं। उन सभी टीचिंग्स को समय पर और सबसे पहले सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। दे मसा मेरे जीवन में बागरुआ, मेरे जीवन में कर दे मसा मेरे जीवन में। बागरू हिफाजत में अब मुझको लेकर चल, अपनी हिफाजत में अब मुझको लेकर चल, मिटा दे पाप जिंदगी से और दे तू बेहतर कल, मिटा दे पाप जिंदगी से और दे तू बेहतर कल, जहां भी जाए तेरा दास ये तू उसके संग संग चल, जहां भी जाए तेरा दास संग संग चल, जहाँ भी जाए तेरा दास ये तू उसके संग संग चल, जहाँ भी जाए तेरा दास ये तू उसके संग संग चल, तेरा गवाह बनकर जीऊं मैं, तेरा ही काम करता रहूं मैं, तेरा गवाह सुनकर मैं
हाथ बंधना मेरे ऊपर में चलता रहू तेरी सुंदर में पाक दुआ मेरे जीवन में कर दे मसा मेरे जीवन में मेरे जीवन में कहिए मेरे जीवन में कर दे बसा तेरा गवाह बनकर जियो मैं तेरा ही काम करता रहूं मैं तेरा गवाह तेरा गवाह बनकर जियूं मैं तेरा ही काम करता रहूं मैं तेरा गवाह बनकर जियूं मैं तेरा ही मेरे जीवन में बात दुआ मेरे जीवन में कर दे बसा मेरे जीवन में कर दे बसा मेरे जीवन में कर दे बसा मेरे जीवन में